हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत कुमार हियर टू डिस्कस अबाउट द बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग बात कर रहे हैं मास एंड डेंसिटी का। बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं, सर मास एंड डेंसिटी का आप लेक्चर नहीं डाले। एक्चुअली मैं भी उसमें मिस कर गया था यार। तो चलिए, आप तक अपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें और कमेंट करें जी। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो नए भी हैं, जो पुराने भी हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज मैंने एक नया चैनल बनाया है जो आपको दिख रहा होगा कि अनसब्सक्राइब है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करें जी, क्योंकि बहुत सारे चैनल जो बहुत सारे वीडियो है जो मेरे पुराने वाले चैनल पर भी है और इस चैनल पर भी है। तो आपका स्वागत है जीनियर स्टडी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जीनियर स्टडी आपकी सारी उम्मीदों को फुलफिल करेगा जी। आप जो भी कमेंट में देखिए, एक्चुअली क्या हुआ था कि इस टॉपिक को मैंने छोड़ दिया था, ये बात तो है, तो चलिए मैं इसको कवर करा देता हूँ। और जो भी कमी होगी आप फीडबैक जरूर दें, उस फीडबैक को पूरा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बोल रहा है कि मास वेट डेंसिटी बात करना है जी। तो देखिए, मास वेट डेंसिटी एक्चुअली छूट गया था मेरा, नहीं तो मैंने इसको पता ना कैसे हो गया था, तो मैंने सारे लेक्चर बहुत पहले ही खत्म कर दिए थे। बाद में पता चला कि मेरा सिलेबस ही पीछे रह गया जी। मेरा सिलेबस पीछे नहीं रहा, केवल एक टॉपिक छूटा है जी। मैंने बहुत पहले ही अपना सिलेबस खत्म कर दिया था। चलिए आगे बात करते हैं जी, मास वेट डेंसिटी का। तो मास और वेट से ही पता चला कि मास क्या चाहिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं, दो तीन टर्म की बात कर लें। देखिए जी, मास क्या होता है? मास को बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है जी। एक वेट होता है, वेट को बोलते हैं भार, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। फिजिक्स में जब भी हम बनाएंगे न्यूमेरिकल, मास अलग होगा, वेट अलग होगा जी। वेट होता है, यानी ये वेट एक तरह का मेरा क्या है जी, भार है, यानी ये फोर्स है। अगर पूछेगा आपका कितना वेट है तो आप बोलेंगे 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, एक तरह का फोर्स है जी। क्या होता है जी? ये फोर्स है, जो किसकी वजह से होता है? तो मास की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मास की वजह से। तो मास होता क्या है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जी। बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर तथा छिड़ मौलिक बल है जो ब्रह्मांड के प्रत्येक कण या पिंड के बीच उसके द्रव्यमान के कारण लगता है जी। देखिए जी, बोल रहा है कि जो मास है कमजोर है। देखिए जी, गुरुत्वाकर्षण जो होता है, देखिए हमारे यहाँ चार तरह के बल होते हैं। आपको भी पता है कि रोबोट 2.0 जो आ रहा है उसमें लिखा हुआ है, उसके पोस्टर में देखिए, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ फोर्स। तो वो फिफ्थ फोर्स की बात कर रहा है, वो वही एक फोर्स की बात कर रहा है जो अभी तक डिस्कवर नहीं किया जा सका है। तो चार तरह के फोर्स होते हैं जी। उसमें होता है आपको वीक फोर्स भी होता है, एक स्ट्रांग फोर्स होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो उन्हीं सब फोर्सों में क्या किया गया है जी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, ठीक है ना जी। तो आप देखिएगा, हाँ जी, रोबोट 2.0 रोबोट जरूर देखिए जी। रोबोट 2.0 जो है, 2.0 भी कोई लोग बोल रहे हैं, उसमें जो है आप एक पोस्टर उसका देखिएगा, उसमें लिख रहा है देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्यूचर फोर्स। तो फिफ्थ फोर्स की बात कर रहा है, उसी में चार, लेकिन अभी तक जो है चार फोर्स डिस्कवर किए गए हैं, उन्हीं चार फोर्सों में क्या है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और वही ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहा है जो क्या है जी, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे पर लगाते हैं जी। और वो क्यों लगाते हैं? तो मास की वजह से लगाते हैं। तो अब न्यूटन का लॉ क्या था जी, न्यूटन का लॉ देखते हैं। न्यूटन ने एक लॉ दिया था इसी फोर्स को निकालने के लिए, कि अगर एक मास, अगर मान लीजिए मेरे इस पेपर का मास है, मेरे पेन का मास है, तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ लेते हैं पहले। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु एक दूसरे पर कुछ ही दूरी पर, उनके बीच लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती, यानी बोल रहा है द्रव्यमानों का गुणनफल, यानी अगर मास M1 है, मान लीजिए एक ब्लॉक यहाँ पे है M1, एक ब्लॉक है यहाँ पे M2, ठीक है जी। इनके बीच सेंटर से इनके बीच की दूरी क्या है जी, सेंटर से इनके बीच की दूरी है मान लेते हैं डी, आर मान लेते हैं जी, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी क्या है जी, आर है। ये मास M1 है, ये मास क्या है, M2 है। तो बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण नियम कि इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है जी, समानुपाती किसका है, तो उनके दोनों मासों के गुणनफल का, दोनों मास का गुणनफल M1 M2 है, और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है जी, R1 है, उसके वर्ग का, उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, उसके वर्ग का क्या है जी, व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमारे डेफिनेशन से पता चल गया इतना, ये क्या है जी फोर्स ये होता है। तो अब देखिए ये क्या है, इसका मतलब हमारे अनुसार फॉर्मूला देखिए कितना आसान याद करना, M1 M2 / R2, ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटेगा तो क्या करेगा, इक्वल टू लगाने के लिए एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे। तो इसी के को क्या बोलते हैं जी, सॉरी जी बोल, इसी जी को क्या बोलते हैं जी, इस जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं जी, गुरुत्वाकर्षण।
तो आपने यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया जी। चलिए इसी को देखिए, इसमें लिखा रखा है गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र की ओर कार्य करने वाला परस्पर बल। देखिए अब ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो ब्लॉक है इसको इधर की तरफ खींच रहा है और ये जो है इधर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आकर्षण बल हो जाएगा। तो आकर्षण बल तो समानुपातिक के बीच की दूरी व्युत्क्रम अनुपात है। गुरुत्वाकर्षण का बल केंद्र की ओर कार्य करता है और परस्पर बल होता है। देखिए अब मान लीजिए कोई अर्थ है, ये बहुत बड़ा अर्थ है जी। अब इस पे क्या है, आप एक छोटा सा मास है, तो क्या हो जाएगा, इसका सेंटर और इसका सेंटर है। अब इसमें क्या है जी, इसका मास तो बहुत ज्यादा बड़ा है और इसका मास क्या बहुत छोटा है, तो ये क्या है एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मास तो बहुत ज्यादा है तो ये थोड़ा ना मूव करेगा, यही मूव करेगा। तो इससे क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जो ऊपर होता है वो क्या होता है, नीचे अर्थ पे गिर जाता है जी। ठीक है ना, इसका मास बहुत बड़ा है, इसका मूवमेंट नहीं होता है, ये छोटे पार्टिकल का मूवमेंट होता है। मैं समझ रहा हूँ कि अब सारे लॉजिकल क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जी। याद रखिए मैंने जो भी पढ़ाए हैं वीडियो, आप उनको जाकर देखिए, कंसेप्ट बिल्डअप करिए। अगर आपको नहीं लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जी। आप एक नए चैनल पे आए हैं, जीनियर स्टडी मैंने एक नया चैनल बनाया है, आप उस पे आए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। अब सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको भी पता है पिछले वाले चैनल में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे नोटिफिकेशन, इसलिए मैंने चैनल को चेंज कर रखा है और नाम भी सब चेंज कर दिया है जी। तो चलिए और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए जिससे कि मेरा चैनल फिर से ग्रो हो, क्योंकि अब तो मुझे डबल मेहनत करना पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण का बल केंद्र की ओर होता है, इसका मतलब देखिए ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र की ओर रहा है, इसलिए क्या हो जाए, इसमें तीसरे वस्तु को आ जाने का माध्यम बदलने से नहीं बदलता। देखिए अब बोल रहा है कि ये मास है, मास है, इसमें एयर रहे चाहे कुछ भी रहे, या हो सकता है हाइड्रोजन गैस हो, हीलियम गैस हो, या सोलिड हो, लिक्विड हो, तो उससे चेंज नहीं होगा। क्या बोला जी, उससे चेंज नहीं होगा। वही बोला एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास प्रोडक्ट ऑफ मास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या है जी, डिस्टेंस बिटवीन उसके बीच का जो दूरी है उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही सब तो ये क्या हो जाएगा, एक ग्रेविटेशनल जो सार्वजनिक, देखिए जी जो कैपिटल जी है उसको क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षणीयता, इनवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका नाम क्या जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अब देखिए ये जो कैपिटल जी होता है इसका वैल्यू फिक्स होता है, क्या होता है जी, इसका वैल्यू फिक्स होता है और उस वैल्यू को याद कर लीजिएगा, 6.67 × 10⁻¹¹, याद रखिएगा जी, 6.67 × 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जैसे। अब मैं बात करूँ यूनिट का, तो यूनिट अब किसी को तो याद करने की जरूरत नहीं है, यूनिट का मैंने लॉजिक बनाया है, मैंने उसका टेस्ट भी करा दिया है जी, आप जाकर टेस्ट भी देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखे हैं जी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं जी। जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता देना चाहूंगा, मेरा पुराना चैनल भी है उसमें भी प्लेलिस्ट बना है, यहाँ पे भी बना है, तो वहां पर जाके यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े, वहां में मैंने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करे। अब मैं इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैंने दो बार करा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका यूनिट का नहीं कराऊंगा जी। चलिए अब बात करते हैं मात्रक क्या है, यूनिट है, जो भी है ये सब हमने करा रखा है, अब इसको कराने की कोई जरूरत नहीं है। नोट पढ़ते हैं जी, बोला है नीट जो जी है, जी का मान सर्वत कन्वेनिस ने ज्ञात किया था। अच्छा जी, कन्वेंडिस ने ज्ञात किया था, ये बोल रहा है जी का मान, तो ये ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जो याद करने वाले हैं उन भी क्वेश्चन को याद रखिएगा जी। चलिए बोला है यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, उनके बीच की दूरी आधा कर दी जाए, तो उनके लगने वाले बल। देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन को, आपको पता होगा वो काइनेटिक एनर्जी में बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए थे, तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए बोल रहा है क्या करेंगे जी, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए समझते हैं जी, क्या बोल रहा है कि जी का मान सर्वत्र फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, फोर्स का थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसके बीच की दूरी आधी कर दिया, देखिए अब इसका द्रव्यमान बोल रहा है कि वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया, तो इस मास को क्या कर दिया, डबल एम कर देता है, टू एम टू, ठीक है जी, दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधा कर दिया जाए। देखिए अभी बीच की दूरी आर है, तो ये क्या कर रहा है, आर बाई टू करके उसको स्क्वायर करेंगे जी, ठीक है, तो लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो अब देखिए लगने वाला बल पहले देख लेते हैं कितना गुना होता है जी, तो देखिए अब तो सब कुछ सेम रहेगा ना, जी एम वन ये रहेगा सेम, तो अब इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, समझिएगा यहाँ पे हो जाएगा टू, नीचे से आर स्क्वायर होकर क्या हो जाएगा, ऊपर फोर बन जाएगा जी, तो आठ गुना टोटली आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, आठ गुना, यानी आठ गुना हुआ तो बढ़ा कितना गुना जी, आठ गुना, मैं सबसे पूछूंगा कितना गुना हुआ जी, सॉरी ये बोल रहा है कि मास ये जो एम वन है वो भी टू गुना किया गया है, सॉरी क्वेश्चन में बोल रहा है, सॉरी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, F बराबर क्या होता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये बोल रहा है कि
वस्तु के द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो वस्तु के द्रव्यमानों को दोगुना करना है जी। तो मास जी तो मेरा कांस्टेंट है, उसको तो कांस्टेंट रखना है, मास को क्या करेंगे 2m1 कर देंगे जी, इसको भी 2m2 कर देंगे, इसको भी डबल कर दिए। डिस्टेंस बोल रहा है क्या करना है जी, आर आधा करके करना है, आधा कर दिए तो स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको 2 2 4 और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 4, तो ये क्या हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा 16 जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनके लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो कितना गुना हो गया जी, 16 गुना हो गया। तो पहले बल तो जी m1 m2 था ही, अब क्या हो गया एक था यहाँ पे, अब 16 गुना हो गया, पहले एक गुना था अब 16 गुना हो गया, तो कितना गुना बढ़ा जी, 15 गुना बढ़ा ना जी m1 m2, तो 15 गुना क्या होगा बढ़ गया, तो 15 गुना बढ़ गया आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन को जवाब देते वक्त ये ध्यान रखिएगा, बढ़ गया क्या हो जाएगा 15 गुना, लेकिन कितना गुना हो गया पूछेगा तो 16 गुना। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए फिर से, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कितना गुना बढ़ गया, लगने वाला बल कितना गुना बढ़ गया, तो 15 गुना बढ़ गया, लेकिन अगर पूछेगा कितना गुना हो गया तो 16 गुना हो गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यही क्वेश्चन है जो लॉजिकली क्या करता है, रीजनिंग के इसीलिए आपको रीजनिंग पढ़ाया जाता है कि छोटे छोटे गलती आप बार बार ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा, जो भी डाउट होगा कमेंट पास कीजिएगा जी। बहुत सारे लड़कों का ये मेरे पे आया था, कमेंट आया था सर कि आपने मास वेट डेंसिटी नहीं कराया, मैंने मुझे भी कंफ्यूजन हो गया यार, मास डेंसिटी का लेक्चर मेरे पास कैसे गायब हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह पर खड़े 50 केजी के व्यक्ति पर पृथ्वी कितनी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है जी और पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है। देखिए जी अगर बात की जाए तो अगर हम लोग इस वैल्यू को अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी नहीं यूज कर सकते हैं। चलिए जी लेकिन हम लोग अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो हम लोगों के इसका यूज ही कर लेते हैं। बोला है पृथ्वी की सतह पर खड़े 50 केजी, तो एफ बराबर क्या होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो जी का वैल्यू क्या है जी 6.6 × 10⁻¹⁻, लेकिन लेना क्या है जी नहीं लेना है, 0.6 नहीं लेना है, कैलकुलेशन के लिए क्या किया है सिंपली रखा हुआ है, ठीक है ना जी। इसने जो वैल्यू दिया क्या दिया सिंपल दिया था, जी एम वन की वैल्यू क्या है जी 50 केजी, जो एसआई यूनिट क्या होता है केजी होता है, एम टू क्या है जी पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻²⁴ केजी का है, त्रिज्या क्या है जी 6 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी, तो क्या मिल जाएगा 6 × 10⁻¹⁰, 50 × 6 × 10⁴ बट्टा 6×6=36, ये स्क्वायर करेंगे तो, और 10^12, ठीक है जी। तो 6 से 6 ये कैंसिल हो गया, ये 12 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी ये 10^12 और इसको तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यानी 10, तो 500 न्यूटन हुआ जी। क्या आया फोर्स 500 न्यूटन आया जी, तो 500 न्यूटन आंसर आ गया। देखिए इसी क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि देखिए सिंपल सा है जी, मास को याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे प्लस है इसका मतलब क्या है जी अट्रैक्शन फोर्स है, अगर यहाँ पे माइनस रहता हो तो क्या होता है जी रिपल्शन फोर्स होता है जी। गुरुत्वाकर्षण हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसा है, तो आकर्षण बल है जी, आपको अर्थ क्या करती है आपको हमेशा खींचती है ना, ऐसा तो नहीं करती है कि ढकेलती है, तो क्या है जी आपको आकर्षित करती है, तो क्या है आकर्षण। चलिए जी अब बात की जाए कि देखिए दो तरह के जी होते हैं, एक स्मॉल जी होता है कैपिटल जी, सॉरी एक कैपिटल जी होता है एक स्मॉल जी, तो ये कैपिटल जी है ये क्या है स्मॉल जी है, तो इसको तो क्या है सार्व यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसको कहते हैं, इसका मान कभी भी नहीं बदलता, इसीलिए तो नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी। और ये क्या है इसका तो मान गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान क्या होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, क्योंकि जो हमारा ये फॉर्मूला है देखिए जी तो सेम है लेकिन ये जो मास है एम वन है जो रेडियस है ये मास तो चेंज होता है ना, अब अर्थ लेंगे तो अर्थ का होगा, अगर चांद लेंगे तो चांद का हो जाएगा, जुपिटर का लेंगे तो जुपिटर का मास आएगा ना, और ए आर भी चेंज हो जाएगा, जुपिटर के लिए अलग हो जाएगा अर्थ के लिए अलग हो जाएगा आर, तो इसलिए क्या हो जाता है ये चेंज हो जाता है जी, और इसी को हम लोग इसके मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं जी स्मॉल जी बोलते हैं, इसीलिए लिखते हैं एम जी, इसको क्या बोलते हैं जी इस जी एम वन अपन आर स्क्वायर क्या बोलते हैं स्मॉल जी। अर्थ के केस में अगर मान लीजिए किसी और के केस में होगा जुपिटर के जो केस में होगा तो एम जुपिटर लिख देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इस लॉजिक को समझिएगा और यही सब लॉजिक छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको क्या करेंगे जी बहुत स्ट्रांग कंसेप्ट बनाएंगे।
चलिए जी, यही यही डेरिवेशन यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। कैपिटल जी स्मॉल जी में कर रखा है, यदि किसी ग्रह का मास एम हो, ग्रह की त्रिज्या आर हो, तो उस पर ग्रह का सतह का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने वही बताया था अभी, बोल रहा है गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके गए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल है जी, वो क्या है, कोई वस्तु जो फेंकी जा रही है, मान ली कोई अर्थ से कोई वस्तु फेंका जा रहा है, तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, तो मास ऑफ अर्थ, डिस्टेंस, रेडियस ऑफ अर्थ एंड ये जी तो कॉन्स्टेंट ही होता है, तो मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। ये जो मास उस पर फेंकेंगे उस पर निर्भर नहीं करता है जी, वो लाइक जी में परसेंटेज बदलाव। ठीक है जी, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जी में परसेंटेज बदलाव क्या होगा, क्वेश्चन ये बहुत बार पूछता है जी, इस बात को ध्यान रखिएगा जी। और चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, देखिए और फॉर्मूला में देखिए, फॉर्मूला में हमारे पास क्या है जी, मास ऊपर है, रेडियस नीचे है, तो देखिए अगर आर बढ़ाएंगे, आर बढ़ाएंगे तो जी घटेगा और एम बढ़ाएंगे तो जी बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ एम को तो जोड़ेंगे, एम को क्या करेंगे जोड़ेंगे, एम वाला क्या करेंगे, एम वाला जो भी परसेंटेज आएगा उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, और आर वाला परसेंटेज क्या करेंगे जी घटाएंगे। तो देखिए हमने ये फॉर्मूला जो भी दिया, ये फॉर्मूला से हम लोग क्या है जी, इससे बढ़िया है हम लोग क्या करें जी, अपना फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए तो माइनस टू टाइम्स ऑफ आर परसेंटेज प्लस एम में परसेंटेज में बदलाव। ठीक है जी, यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला को हम थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, माइनस टू, देखिए इस फॉर्मूला को मत याद रखिए, माइनस टू आर में परसेंटेज में बदलाव प्लस एम में परसेंटेज में बदलाव। ठीक है जी, और परसेंटेज में प्लस किसके लिए रखेंगे तो वृद्धि के लिए, माइनस किसके लेंगे तो कमी के लिए लिखेंगे, और क्या करेंगे जी बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यदि किसी ग्रह में द्रव्यमान को स्थिर रखकर इसकी त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए, बोला है ग्रह में क्या करना है जी, ग्रह में द्रव्यमान स्थिर रखना है, ग्रह में क्या किया जी, द्रव्यमान स्थिर रखना है। चलिए जी, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास क्या होता है जी, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो एम में क्या है जी, डायरेक्ट हम जोड़ते हैं, फॉर्मूला रेडियस नीचे है तो क्या करेंगे जी, उसको माइनस करेंगे, और स्क्वायर है तो क्या करेंगे, डबल कर लेंगे। तो बोल रहा है किसी ग्रह में द्रव्यमान को स्थिर रखकर इसकी त्रिज्या 2% की वृद्धि करिए, त्रिज्या 2% की वृद्धि की गई तो 2% तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, लेकिन जब नीचे था तो क्या हो जाएगा जी, नीचे था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करना था जी, तो 2 × 2%। ठीक है जी, नीचे था, देखिए यहाँ पे आर क्या है जी, नीचे है, तो हमने क्या किया, चलिए इस फॉर्मूला को लिखे थे 2 माइनस, नीचे है तो माइनस, 2 × r में परसेंटेज, ठीक है, प्लस एम में परसेंटेज। ठीक है जी, तो अब देखिए रेडियस में कितना चेंज किया है, तो 2%, तो -2 × 2। ठीक है जी, वृद्धि किया है तो प्लस हो गया, और गुरुत्वीय त्वरण में कितना वृद्धि या कमी होगा जी, तो अब देखिए यहाँ पे तो एम में चेंज नहीं हुआ, तो ये 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -4%। क्या बोल रहा है जी, तो -4%, तो बोल देखिए -4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4% की कमी हो गई। इस बात को ध्यान दीजिए, कितनी छोटी छोटी बात है, माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, हमने क्या किया जी, अभी हमने बताया था कि प्लस का मतलब वृद्धि होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, कमी होता है। तो ये छोटी छोटी बातें, इन सबको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, जी के मान में परिवर्तन, देखिए अब आती है जी, तो एक तो हमारा कैपिटल जी था जो हमेशा क्या रहता है जी, कांस्टेंट रहता है, तो चेंज क्या होता है, स्मॉल जी, तो स्मॉल जी जो चेंज होता है उस पर क्या करेगा, क्वेश्चन बनेगा, बार बार क्वेश्चन बनेगा, अलग अलग केस में क्वेश्चन बनेगा जी। ठीक है ना, तो एक बार थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं जी, जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण, तो देखिए एक केस लेते हैं जिसमें क्या है जी, ये जी का मान बोला एक मास है, वो क्या है जी, अर्थ से ऊपर है, अर्थ से ऊपर है, अर्थ से ऊपर है, तो इसमें बोला है कि पृथ्वी जी का मान अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसमें चेंजिंग होगा कि घटेगा बढ़ेगा, इसको एनालिसिस करना है जी। बोला है अगर, तो ये वाला केस लेते हैं पहला केस, अगर पृथ्वी, अब दूसरा केस ले लेंगे अर्थ के नीचे ले लेंगे, तो ठीक है ना जी, तो जो जो पॉसिबल केस है हम लोग एनालिसिस करेंगे। पहला केस लिए हैं कि जो ऑब्जेक्ट है क्या है जी, अर्थ से बहुत ऊंचाई पे है। ठीक है जी, तो जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर रहने के कारण जी का मान में क्या परिवर्तन होगा, पहले उसको एनालिसिस करते हैं, उसके बाद अर्थ के अंदर जाएंगे, उसके बाद अर्थ के सरफेस पे जाएंगे, तीनों एनालिसिस करेंगे। ठीक है जी, तो वही बोला अगर पृथ्वी के द्रव्यमान का मान एम लिया जाए तथा पृथ्वी की त्रिज्या को आर लिया जाए, देखिए ये अर्थ है जी, तो इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, और इसका मास क्या लिया गया है जी, एम लिया गया है, क्या लिया गया है, एम लिया गया है, कैपिटल एम लिया गया है, किसका, पृथ्वी का मास का। और बोला है पृथ्वी से एच ऊंचाई पे, पृथ्वी से क्या है जी, एच ऊंचाई पे क्या है जी, तो एक मास लिया गया है, एक ऑब्जेक्ट लिया गया है जी, वस्तु लिया गया, तो सूत्र के द्वारा स्पष्ट है। अब देखिए तो इसके लिए जी डैश, जी यहाँ पे है,
जी एम अपन आर स्क्वायर, ये तो आपको भी फॉर्मूला हो गया था। लेकिन अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे हाइट पे जाने पे जी क्या होगा, तो हमने उसको जी डैश मान लिया। वो भी क्या है, ये अर्थ के द्वारा ही ग्रेविटेशन लगाया जा रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो हम इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए इसमें लिखा गया जी जो कॉन्स्टेंट है मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब यहाँ से आर स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा, आर प्लस एच, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर एच बढ़ाएंगे, एच बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एच जीरो ले लेते हैं। पहले केस में देखिए जी एच क्या कर रहे हैं, इसमें जीरो ले लेते हैं, तो जी डैस मेरा क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या है जी, एच हमने जीरो लिया, एच को क्या करते हैं आर के बराबर ले लेते हैं, तो जी एम अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा जी एम अपॉन फोर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब घट गया ना जी, देखिए डिवाइड बाई फोर हो गया ना, तो क्या हुआ अल्टीमेटली जी क्या हो गया, घट रहा है। यानी अर्थ की हम सरफेस से अगर ऊपर जा रहे हैं तो जी क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना जी, घट रहा है। अगर मान लीजिए और भी बढ़ा देंगे और भी घटेगा, तो इसलिए हमको पता चल गया सूत्र द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। कन्फर्म हो गया जी। चलिए दूसरा केस लेते हैं, क्या दूसरा केस लेते हैं, पृथ्वी की सतह से गहराई। ठीक है, अब पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, अब एनालिसिस करेंगे कि जी की वैल्यू क्या हो रही है, कैसे हो रहा है। ठीक है, कुछ फॉर्मूला मैं बता दूं कि ये जो भी फॉर्मूला है मैं उसको डराइव नहीं करूंगा, और इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है जी, आईटीआई लेवल तक समझने की जरूरत नहीं है। किसी फॉर्मूले को मैं झूठ मूठ का डेरिवेशन करके आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं इसलिए क्योंकि देखिए कुछ लड़के ये भी समझ रहे हैं कि इसको कम नॉलेज हो, ये नहीं। अगर आपको डिस्कशन करना है तो मेरे साथ बैठ सकते हैं जी, मैं पीएचडी वगैरह का क्या डिस्कस करना है, एमटेक वगैरह का क्या डिस्कस करना है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं बीएलएस आई हूँ डिपार्टमेंट से, तो मुझे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए ये एग्जाम आईटीआई लेवल तक का है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं एमटेक हूँ वीएलएसआई से। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, पृथ्वी की सतह से बोला जा रहा है किसमें, पृथ्वी की सतह से गहराई के कारण, पृथ्वी की सतह से गहराई के कारण। ठीक है जी, अभी मेरा अर्थ है इसमें बोल रहा है कि डी डी गहराई तक गए हैं जी, डेप्थ मतलब डेप्थ कितना है जी, एच डी डेप्थ तक गए हैं, और वहां पे क्या है जी पूछा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, वहां पे निकाल के बताइए जी। चलिए तो ये पृथ्वी के अंदर आ गए, तो इसका फॉर्मूला होता है जी डैश। तो यहाँ पे देखिए जी होता है ये वाला जी विदाउट, यहाँ पे जी होता है, यहाँ पे जो जी होगा वो क्या होगा, जी डैश होगा। तो उस जी डैश का मान होता है जी इंटू वन माइनस डी अपॉन आर। डी क्या है, डेप्थ है, आर क्या है जी, तो इसका अर्थ का रेडियस है। जी क्या है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो होगा। ठीक है जी, तो अगर m द्रव्यमान के कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से d गहराई पर हो, तो d गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश क्या हो जाएगा, g इंटू वन माइनस डी अपॉन आर। सूत्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह से, देख लीजिए अब मान लेते हैं कि हम क्या है जी अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर क्या किए जी, अर्थ के अंदर हम कहां तक गए, तो मान लेते हैं रेडियस r है, r बाई टू तक हम चले गए, कहां तक चले गए, r बाई टू तक, यहां पे आ गए। तो क्या होगा देख लेते हैं जी, अगर मान लीजिए यहीं पे रहते तो क्या होता है, जी होता, यहीं पे रहते तो क्या होता है, जी होता। अगर मान लेते हैं कि आर बाई टू पे चले गए, तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी इंटू वन माइनस डी को क्या रखें, आर बाई टू, आर बाई टू अपॉन आर, तो आर आर कैंसिल क्या हो जाएगा, जी बाई टू, वन माइनस हाफ क्या हो जाएगा जी, जी बाई टू, तो जी क्या हो रहा है, घटा ना, तो घटा, यानी यहाँ पे तो जी था, यहाँ पे क्या हो गया जी, जी बाई टू हो गया, तो घट गया ना। तो यानी जब अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, जी का मान घट रहा है जी। अब देखिए अब एक फाइनल डायग्राम बनाते हैं कि अगर ये अर्थ है, इसके नीचे अगर जाएंगे तो जी क्या होगा, घटेगा, इसके अगर ऊपर जाएंगे तो जी क्या होगा, घटेगा। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है जी, एक जी हो स्टैंडर्ड, यहाँ से नीचे जाएंगे तो जी का मान घटेगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। अब किसी को ये लग रहा है कि ऊपर नहीं है जी, ये अर्थ के चारों तरफ मैं बता देना चाहिए, इधर भी ऊपर है, 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 मैं किसी को लग रहा है नीचे नहीं जी, ये अर्थ क्या है, अर्थ के चारों तरफ क्या है जी, ऊपर ही है ये, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, जहीं भी कहीं भी हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, जी का मान घटेगा। कहीं से भी अर्थ के नीचे आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, देखिए ये अमेरिका से आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ये इंडिया से नीचे आ रहे हैं चाहे अमेरिका से नीचे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, यहाँ अमेरिका से फ्लाइट मारे आप इंडिया से ऊपर से फ्लाइट मारे, बात तो सेम ही है ना, तो इस बात को समझिएगा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, जी का मान घट रहा है जी। वही बोला है सूत्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह से गहराई पर बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो रहा है जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो रहा है, फाइनली घट रहा है। यहाँ पे जी था, उसके बाद घटना हो रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर
बोला कि पृथ्वी के केंद्र पे क्या होगा, इसको भी निकाल के देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र पे निकालने पे क्या हो रहा है जी, अगर डी बराबर आर हो जाएगा यानी पृथ्वी के केंद्र से यहाँ डेप्थ क्या हो जाएगा जी, डेप्थ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर रख दीजिए, आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। यह याद रखिएगा पॉइंट को जी, ये जो भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं मैं बार बार बोलूंगा, इस वीडियो को दो दो बार देख लीजिएगा, लेकिन जरूर देखिएगा जी, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, अब देखिए मान लीजिए पृथ्वी क्या है, अभी तक तो हम स्टेशनरी मान रहे थे जो भी हम लोग के इसमें, अब क्या है पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट भी तो करती है तो अपने घूर्णन भी तो करती रहती है, तो उस घूर्णन के कारण जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब उसको एनालिसिस कर लेते हैं जी। क्योंकि आपको भी पता है कि आपने ये रटा होगा कि क्या होता है जी, हमारा अर्थ है, ये क्या है इक्वेटोरियल है, विषुवत रेखा है, ये क्या है जी पोल है। तो आप लोगों को पता होगा कि पोल पे क्या होता है जी, मैक्सिमम क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, सॉरी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है वो क्या होता है जी, यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम होता है, और विषुवत रेखा पे क्या होता है जी सबसे कम होता है। क्योंकि ये क्या है जी, एक्सिस के वजह से रोटेशन होता है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये रोटेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक इस पे फोर्स लग रहता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, एक फोर्स लगता है जी। अगर मान लीजिए यही फोर्स किसी अगर एंगल पे लगेगा तो क्या लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा लग जाएगा बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, और जो अर्थ के द्वारा खींचा जाएगा वो एम जी अंदर की तरफ लगेगा, तो क्या हो जाएगा एक अपोजिट हो जाएगा, तो दूसरे का क्या हो जाएगा माइनस होगा। चलिए भी डेरिवेशन के साथ, इस डेरिवेशन के इसको आप लोग मत समझिए, मैं सबसे बोल रहा हूँ बस इतना समझिए कि क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है, तो आप झूले पर मान लीजिए यहाँ पे, तो झूले वाला क्या है, झूला क्या करता है बाहर की तरफ फेंकता है ना, आपको कोशिश करता है बाहर की तरफ फेंके, बाहर की तरफ, वैसा ही कुछ अर्थ पे भी हो रहा है। तो इसलिए क्या होता है माइनस हो जाता है, जो ये माइनस वाला फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जो भी लड़के मैं बताऊंगा कि इसको भी हमको समझने के, केवल इसका जो कंक्लूजन है उसको याद रखिए, बाकी कुछ नहीं याद रखिए जी। इससे पहले वाले दोनों याद रखिएगा पूरा, लेकिन इसको नहीं याद रखिएगा जी, ठीक है ना। तो जी डैश हो रहा है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा, यानी जो ये अल्फा एंगल ले लिया, यहाँ से यहाँ एंगल क्या है जी अल्फा ले लिया, हमने थीटा रखा है तो थीटा हो गया, कोई बात नहीं। तो बोला है अगर थीटा, अगर मान ये जो अल्फा है अगर इसको जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा विषुवत रेखा पे आ गए। तो अगर अल्फा जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है जी वन होता है, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, कॉस जीरो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मान लीजिए ए अल्फा को अगर 90 कर देंगे, ए एंगल 90 कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा ये जो सर्कल बनेगा, देखिए ये सर्कल क्या है जी यहाँ पे बना है, ये सर्कल क्या हो जाएगा 90 पे यहाँ पे हो जाएगा, और यहीं अगर इसको अल्फा जीरो करेंगे तो ये यहाँ पे विषुवत रेखा पे सर्कल बनेगा, तो विषुवत रेखा वाला तो हमने निकाल लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे पुल पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, तो अल्फा बराबर 90 तो कॉस 90 क्या होता है जी, कॉस 90 जीरो होता है, तो जीरो हो जाएगा पूरा, तो जी डैश बराबर जी। तो यानी मैक्सिमम यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे देखिए जी माइनस आर ओमेगा से कुछ ना कुछ तो घट रहा है ना विषुवत रेखा पे, क्योंकि आर मैक्सिमम है तो ओमेगा भी कुछ ना कुछ रोटेशन है, अगर रोटेशन जीरो रहता तो क्या होता जी हो जाता। देखिए यहाँ पे अगर रोटेशन ओमेगा जीरो रहता, इसका मतलब क्या है रोटेशन जीरो रहता तो क्या हो जाता, ओमेगा जीरो रखते तो जी हो जाता ना, हर जगह जीरो हो जाता, यहाँ सॉरी यहाँ हर जगह जी हो जाता, यहाँ पे भी जी, यहाँ पे जी, यहाँ पे भी जी, यहाँ पे जी, हर जगह क्या होता जी होता। लेकिन अब ओमेगा आने की वजह से क्या हो रहा है जी, ओमेगा और आर क्या, ओमेगा की वजह से क्या हो रहा है अब कुछ कम हो जा रहा है जी, इसलिए क्या हो रहा है जो रोटेशन होता है, इसलिए पोल पे क्या होता है मैक्सिमम होता है। देखिए यहाँ पे आर ही जीरो हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर है तब आर ही जीरो, यहाँ पे क्या होगा आर भी जीरो हो गया है पोल पे, तो पोल पे जब आर ही जीरो हो जाता है तो क्या हो जाएगा जी आर जीरो हो जाएगा और थीटा भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, दोनों वैल्यू जीरो हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है जी आ जाता है, तो यहाँ मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है ना जी। हमने जो निकाला था जी एम ओ पनारा स्क्वायर मैक्सिमम हो जाता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें, और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले किए थे उस वो भी सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर जो भी मैं प्रीमियम करता हूं तो वीडियो को सेट रिमाइंडर ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। मैं बता रहा हूं कि नए नए चैनल में प्रॉब्लम होती है और इसको आपको फेस तो करना ही पड़ेगा, मुझे भी फेस करना पड़ेगा, इसमें तो मैं क्या कर सकता हूं। चलिए थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ।